गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम. टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस लेसन अ कबड्डी मैच. ओके, द कबड्डी मैच वॉज बिटवीन द 9th B एंड द 9th A. ओके, द स्पोर्ट्स स्कूल स्पोर्ट्स वॉज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ एट एस इट इज मेंशन ओवर दिस पैराग्राफ. द 9th B वॉज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीम्स. द कबड्डी ट्रायल्स वेयर ऑन सी टू एवरी वन इन द 9th A स्टैंडर्ड. 3 new students came and they were outstanding players and this surprised other peoples. Okay, students, we can say. 9th A's hopes soared. When the match started, the spectator clapped and boosted the morale. Means the spectator means the audience who are watching the game. They boosted the morale of both the teams. मतलब दोनों टीम की मोरल को ये करते थे. They motivated, they उनको उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे to do the best of their. And the first 9A won the toss and they sent the raider named Govind. He touched the 9th B student, that is Suresh, and scored a point for team A, 9A. And from 9B, it was Ravi who was a very strong player and had such a good grip that nobody were able to release from his tightly twisted the leg scissor. मतलब वो सीजर की तरह उसको पैर में जकड़ देते थे अपने किसी ओपोनेंट को, प्लेयर्स को, और उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता था. इट वॉज वेरी रियली इम्पॉसिबल टास्क फॉर द अदर प्लेयर्स टू गेट फ्रॉम दिस ग्रिप. ओके, ऑल द प्लेयर्स वेयर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम. मोस्टली द ओपोनेंट वेयर अफ्रेड ऑफ हिम. And he won the matches for 9B with the help of Mohan and Vinod. These were another good strong players. Then it came Mangesh turn 9A. Okay, he was a good match for the Ravi. Means he was also same, मतलब he had a good match means वो भी उसकी रवि की तरह ही एक अच्छे प्लेयर माने जाते थे. ही वॉज ए गुड मैच, मतलब उसके उसके तौर तरीके भी ना इसके रवि के जैसे ही थे. रवि वॉज रिलैक्स, ही हैड नेवर ड्रीम. रवि वॉज रिलैक्स वाई, बिकॉज ही नेवर थॉट दैट देयर वुड बी सच अ ओपोनेंट हु विल चैलेंज हिम. वो कभी नहीं सोचे थे कि उनको चैलेंज करने जैसा कोई और एक ओपोनेंट हो सकता है. इट वॉज टोटली अ सरप्राइज फॉर द. And as soon as Mangesh came, Mangesh को पकड़ा गया है in the 9th B, others 9th B players, some of the players you can see over here, just pulled him, dragged into their team and tried to hold him tightly. But anyway, Mangesh was able to move forward inch by inch and was able to touch this middle line. As soon as he touched his middle line, what happened? The players who were holding him were all out. यू माइट बी नोइंग द रूल्स ऑफ कबड्डी. आपको पता होगा अच्छी तरह से कबड्डी रूल्स क्या होता है. जितने लोग उसे पकड़े थे वो सारे आउट हो जाते क्योंकि वो मिड लाइन तक जाने में कामयाब हो जाता है और मिड लाइन को टच कर देता है. इसके लिए जितने लोग उसे पकड़े थे वो सारे आउट हो जाते. एंड इट वॉज अ टोटली सरप्राइज फॉर द 9th B. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. He had one not only saved himself but also he be able to score 3 points for his team. See, he himself saved himself also, मतलब आउट होने से बच जाते. प्लस ही एबल टू स्कोर 3 points बिकॉज 3 men वेयर होल्डिंग, 3 other players वेयर होल्डिंग हिम. 9th B के 3 other players जो है उसको पकड़ के यहाँ पर घसीटने चाहते थे वो भी आउट हो जाते क्योंकि ये मंगेश इतने ही स्फूर्तिले इतने ये थे कि वो अपने आप को भी बचा पाए और उनको प्लेयर को भी आउट कर दिया. रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वेर होल्डिंग हिम वेर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट. ओके, दे वेर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट बिकॉज दे वेर होल्डिंग हिम. नाउ 9B बिगेन टू प्ले कॉशियसली. नाउ दे बिगेन टू प्ले कॉशियसली बिकॉज दे केम टू नो दैट 9A is also 9A also as a good players and they should be very careful about that thing. Mihir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in 9A. Nothing much happened in the next few raids. Now it was Vivek's raid. He always played with the strategies and worked fine. Means Mihir from the 9th B, he came as a raider और एक 9th A को लिए
नाइन्थ बी के लिए अपने लिए पॉइंट कमाया उसने नाइन्थ ए के स्टूडेंट को आगा के पकड़ के आउट करके। तो ज़्यादा कुछ कास्ट नहीं, मतलब इट वॉज इक्वली गोइंग ऑन। नाउ विवेक इज ऑल्सो ए गुड रेडर, ही ऑलवेज प्लेड देयर विथ स्ट्रैटेजी, मतलब ही यूज टू मेक अ प्लानिंग एंड ऑल। प्लानिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू विन समथिंग ओवर द गेम्स। यू मेट ए वॉच इन द गेम्स ऑल्सो, जहाँ पे क्रिकेट हो या कोई और प्ले गेम्स हो, जहाँ पे वो लोग स्ट्रैटेजी करते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सामने वालों की वीकनेस को देख के उसके ऊपर प्लान किया जाता है किस तरह उनको गाइड करके या पॉइंट आउट पॉइंट कमा सकें। तो दिस प्लानिंग इज टू बी डन बाय दिस पीपल्स। द रिमेनिंग थ्री प्लेयर्स फ्रॉम द 9B ट्रैप्ड विवेक ई स्लोली moved back towards his court. The three anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg behind the midline and the anti-raiders leg still hanging on his arm. Oh, the whole of the 9B was declared out. Now, 9th AK jo Vivek ne, he was also a good player. Usko kafi sare anti-raiders ne attack kiya, pakda. And they were holding him tightly, but anyhow he was able to manage himself. He slipped his leg behind the midline. अपने midline से उसने पैर को ये करते हुए किसी तरह midline में पहुँच जाते, और जितने लोग उसे पकड़े थे they were all out. The 9B, all the players were out now. 9th had actually managed to get 3 more bonus points off Lona. Now 9th they were able to get 3 more bonus points. Unko 3 aur bonus point mile of Lona. Lona means a extra point hota, extra point diya jata unko. It was a icing on the cake. What an enviable score. It set the heads of the 9B reeling. Now bhi unka jhuk gaye sir. बिकॉज दे वेर 9th है जिसको उन्होंने माना था आर नॉट ए सच ए गुड कॉम्पिटेटर, बट दे प्रूव्ड इट रॉन्ग। 9th ए क्या है, जीत गए, एंड 9B वर अब नाउ दे वेर मतलब उनका सर झुक गया, सेट द हेड्स ऑफ द 9B रीलिंग। आफ्टर हाफ टाइम ब्रेक इट सेट द हेड्स ऑफ द 9B रीलिंग, मतलब 9B को अपसेट हो गए, दे वेर thinking about and they are totally shocked with the performance of the 9th players. After the half time break, the stars players of 9A were full of confidence. Once again they managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B in all the areas of the Kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B, who had never tasted defeat earlier. Means what it is mentioned in this para, ki 9A were had full of confidence in them. Okay, unke paas bahut confidence tha because in the first half unhone kya kiya tha, sabko out kiya tha. So they had lot of confidence in them. They managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi from 9B. 9A outplayed 9B in all the areas, मतलब वो हर एक जगह पे हर एक कोश इसमें स्टेप्स में 9B को हराने में कामयाब हो गए। 9B never expected this thing to happen in there. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suffliness helped them to beat 9B. मतलब उनकी जो चपलता थी, उनकी स्ट्रैटेजी थी, उनकी जो ये गेम के प्रति अपना ये था, वो सारे चीज़ों के वजह से क्या है, दे वेर एबल टू डिफीट 9B और 9B एड नेवर बीन डिफीटेड। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे वेर डिफीटेड। कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज now become popular in many countries, so that many international events were organized in this events international rules are followed, but several other kabaddi styles such as Sanjeevani, Gamini, Amar are followed in different parts of India. Okay, this is about the kabaddi, how it started. It's the Asian sports. It is originated in India. Okay, कबड्डी ए गेम इंडिया से स्टार्ट हुई,
So it is came from India. And has now become popular in many countries. Now it is popular in many countries. So that many international events are organized. तो फर्स्ट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले कबड्डी का मैच गेम होता था. कबड्डी एक जो ये है वो इंडिया से स्टार्ट हुआ. देन इट बिकेम सब जगह में पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल गेम्स वगैरह कबड्डी मैचेस खेलने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह जहाँ जहाँ पर कबड्डी खेले जाने चाहिए बाहर वगैरह इसके प्रायोजित किया जाता है एंड टेस्ट भी डन ओवर देयर. इन दिस इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स वे आर फॉलो. अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मैच कबड्डी मैच जाने की वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल रूल्स वगैरह उस पर लागू हो गए. पहले सिर्फ इंडिया में खेला जाता तो उनके अपने वो रूल्स होते थे, तो बट व्हेन इट केम टू द इंटरनेशनल लेवल्स व्हाट हैपेंड, इंटरनेशनल रूल्स दे हैज टू फॉलो. बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गैमिनी, अमर एक्सेट्रा वे आर फॉलोड इन द डिफरेंट पार्ट. पर ऐसे कुछ और कबड्डी ये है गेम्स है जो अंदर भारत के अंदर ही खेला जाता है, वो अपने अपने तौर तरीके से ही खेला जा रहा है. मतलब जो रूल्स रेगुलेशन पहले चलते थे उसी पे आधार पर गेम खेला जाता है. इन कबड्डी टू टीम्स ऑफ सेवन मेंबर्स ईच फेस ईच अदर इन द फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट डिवाइडेड बाय अ मिडलाइन. द गेम इज़ यूजुअली प्लेड इन टू हाफ्स विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन. आफ्टर द ब्रेक द टीम एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट. मीन्स देर आर सेवन प्लेयर्स इन ईच टीम. कबड्डी प्लेयर्स मीन्स इन द कबड्डी मैचेस देर आर टू अपोनेंट्स, दो टीम्स होते. इन वन टीम सेवन मेम्बर्स आर दर, इन अदर टीम सेवन मेम्बर्स. ओके, दे आर प्लेड इन द फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट. एक बड़ा सा फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट रहता है, जगह रहती है, मैदान होता है जहाँ पे खेला जाता है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इन टू डिवाइडेड बाई अ मिड लाइन. सी इन दिस पार्ट इट इज शोन इन दिस रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द कोर्ट. ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर एंड इट इज डिवाइडेड इन द मिडिल. एक टीम इधर रहते हैं एंड अदर टीम इज ईयर. वहाँ हाफ ऑफ टाइम, हाफ एन आवर का समथिंग दे हैव अ एक मैच होता है. वैसे दो मैच होते हैं. व्हेन इफ़ एज्यूम इफ नाइन्थ ए इज प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ ओवर ईयर. अगर नाइन्थ ए यहाँ पे फर्स्ट हाफ में है स्टार्टिंग में, आफ्टर द फर्स्ट हाफ फिनिशेस दे विल बी मूविंग टू दैट साइड एंड दिस पीपल विल बी कमिंग टू द दिस साइड. इस तरह जब एक हाफ हो जाता है तो अपनी जगह पोजिशन वो चेंज करते हैं. That is mentioned rules and regulations of the matches. Okay, the game is usually played in two halves. Okay, with a half time break in between. मैं वहाँ पे break होता है. After the break, the teams exchange their sides in the court. After that time, they exchange the court. Okay, the remaining part I will be explaining you in the next lecture. थोड़ा सा हिस्सा बचा है. That I will be explaining you in the next lecture. Okay, thank you. See you in the next lecture.